मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड सेकंड ईयर बायो के लिए सब्जेक्ट अपना जूलॉजी और टॉपिक है अपना एंडोक्राइन ग्लैंड, उसका पार्ट हम पढ़ेंगे सिक्स नंबर। अब देखिए, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ग्रोथ हॉर्मोन्स, उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन और उसकी एक दूर व्यक्ति यानी उसकी हार्मोन का श्रावण किया जाएगा, तो ये जीएचआरएच जो हार्मोन होता है
किया जाता है। अब सेकंड हार्मोन्स है ACTH। सेकंड जो हार्मोन है वो है ACTH। कौन सा रोग हो जाता है? एडिसन रोग हो जाता है।
करता है। अब जैसे ही कॉर्टिकोट्रोफ कोशिकाओं के द्वारा एसी
क्या किया जाता है? ACTH हार्मोन का क्या किया जाता है? स्टार्ट किया जाता है। तो ये एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स भाग होता है उसको कॉर्टिसोल हार्मोन स्रावित करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। ठीक है, अब जैसे ही कॉर्टिसोल हार्मोन की मात्रा इसके अंदर बढ़ती है, कॉर्टिसोल हार्मोन इन ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा के अंदर जैसे ही कॉर्टिसोल हार्मोन की मात्रा बढ़ती है तो ये नेगेटिव इफेक्ट बताता है इस पे हाइपोथैलेमस पे, ताकि हाइपोथैलेमस सीआरएस का सिक्रेशन करना क्या कर दे? बंद कर दे। बिहाइंड कॉर्टिसोल हार्मोन इन ब्लड प्लाज्मा, यानी जैसे ही ब्लड प्लाज्मा के अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन की मात्रा बढ़ी, वैसे ही ये एडिनोफाइपोफाइसिस की कॉर्टिकोट्रोफ कोशिका के द्वारा स्रावित होने वाले एसीटीएच हार्मोन का क्या करता है? नियंत्रण करता है। इस प्रकार जैसे ही ब्लड प्लाज्मा के अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन की मात्रा बढ़ेगी तो ये कॉर्टिसोल जो हार्मोन होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित होने वाले सीआरएस और कॉर्टिकोट्रोफ कोशिका के द्वारा स्रावित होने वाले एसीटीएच का क्या करता है? नियंत्रण करता है, या फिर बोल सकते हो इनहिबिशन करता है, जिसके कारण इन हार्मोनों का स्राव होना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। दो हार्मोन हमने पढ़ लिए थे, पहला कौन सा था? ग्रोथ हार्मोन, सेकंड था ACTH, थर्ड हम पढ़ेंगे गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन होता है वो क्या है? एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है। क्या होती है? ग्लाइकोप्रोटीन होती है। बट इससे पहले आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि इस गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का श्रावण बेसोफिल कोशिका की जो गोनेडोट्रोफ कोशिका होती है उसके द्वारा स्रावित किया जाता है। कौन सी कोशिका के द्वारा? गोनेडोट्रोफ कोशिकाओं के द्वारा क्या किया जाता है? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का क्या किया जाता है? स्रावण किया जाता है। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है वो क्या है? एक ग्लाइकोप्रोटीन। क्या है? एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है। ठीक है, ये क्या है? एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है जिसका मॉलिक्यूलर वेट लगभग 30,000 होता है। क्या होता है? मॉलिक्यूलर जो वेट होता है वो क्या होता है? लगभग 30,000 माना गया है। अब देखिए गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन होते हैं वो दो प्रकार के हैं। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है वो दो प्रकार का है, एक होता है एफएसएस, सेकंड होता है एलएच। एफएसएस की फुल फॉर्म है
सभी को पता है LH की फुल फॉर्म क्या होती है, ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन्स। अब ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन्स यदि मैं भी ग्रोथ हॉर्मोन, सेकंड ACTH और थर्ड जो हॉर्मोन।
अपना